गाइस, कैसे हो आप सब? इंचुलर मातेला, मैं हूँ प्रतीक्षा। वेलकम टू माय चैनल मिस ब्यूटी क्लब। गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं, हम लोग यानी मैं और मेरे पेरेंट्स, तो आज हम लोग जा रहे हैं ग्लोबल विपासना पकोड़ा। तो चलिए देखते हैं ये प्लेस कैसा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं ग्लोबल विपासना पकोड़ा। सो वी आर टेकिंग अ बस फ्रॉम बाइंदर वेस्ट। दिस इज़ द बस स्टॉप जहाँ से हम बस ले रहे हैं, एंड ये वो डायरेक्ट बस है जो पकोड़ा आपको ले चलती है। बाइंदर स्टेशन से लग के ये बस स्टॉप है जो आपको पकोड़ा ले चलती है। सबसे पहले हम लोकेशन की बात करते हैं। ग्लोबल विपासना पगोड़ा जो है ये गुराई विलेज में आता है, बोरीविली वेस्ट, एंड इट इज जस्ट नेक्स्ट टू एसएल वर्ल्ड, एंड नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज बोरीविली स्टेशन। गाइस, बोरीविली वेस्ट से आपको बस भी अवेलेबल है एंड ऑटोज भी अवेलेबल है जो आपको गुराई खाड़ी तक पहुँचाती है। फिर गुराई खाड़ी से पगोड़ा के लिए आपको फेरी लेना पड़ता है। सो फाइनली गाइस, वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। The Global Vipassana Pagoda is a monument of peace which follows the values of Gautam Buddha and spreads his teachings. It is a meditation dome in the outskirts of Mumbai and is also one of the tourist spots in Mumbai. This is really a beautiful and admirable place located on a peninsula between Gorai Creek and Arabian Sea. This is one of Mumbai's unique attraction and is also considered as a landmark of peace. So guys, as you can see, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। Guys, I'm enjoying bhaji pav. तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है। वाकिर में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड पीसफुल लोकेशन है गाइस। आप जब तक यहाँ पे आओगे नहीं तब तक आप इसे फील नहीं कर पाओगे। द ग्लोबल विपासना पगोड़ा इज डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ महाराष्ट्र। दिस इज फेमस फॉर मेडिटेशन, फोटोग्राफी एंड लर्निंग एज वेल। ये जो दो टावर्स आपको दिख रहा है लेफ्ट एंड राइट में, दैट इज़ द बेल टावर एंड द गोंग टावर। ये दोनों भी टावर्स जो है ये ग्लोबल विपासना पगोड़ा की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देता है। सो दिस इज़ द गोंग टावर गाइस, जो बर्मी स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किया गया है, एंड हैज यू कैन सी इट हैज अ लार्ज सर्कुलर गोंग। ग्लोबल विपासना पगोड़ा म्यांमार के श्वेदगन पगोड़ा का रेप्लिका है। इट वॉज बिल्ट कम्बाइनिंग एंशियंट इंडियन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू एंश्योर इट लास्टिंग फॉर 1000 years। एंड दिस इज द बेल टावर, जो भी बर्मी स्टाइल से ही डेकोरेट किया गया है, एंड इट हैज अ ह्यूज बेल। Please do the honor.
बहुत ही सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है, फुल गोल्डन गोल्डन, धूप में तो ऐसे चमकता है ना ये गोल्डन कलर। ये ना बहुत ही बहुत ही पीसफुल लोकेशन है ये, है ना। दिस इज एक्चुअली अ पीसफुल लोकेशन, फिर दिस इज फॉर मेडिटेशन आई थिंक। हां ना, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड विपस्सना। विपस्सना मींस आई गेट, या मुझे लगता है ज्यादातर यहां पे मेडिटेशन वगैरह लोग आके करते हैं। डेडी, ये लोकेशन मस्त है ना, मस्त है ना लोकेशन, ब्यूटीफुल है बहुत। मम्मी कभी आए नहीं है, मतलब आपको अगर आपके खुद के साथ अगर आपको समय स्पेंड करना है ना, तो आई गेस ये हाँ मतलब इससे अच्छा कोई जगह नहीं। हाँ मतलब कोई देखिए कितना मस्त है। अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस है या बैड टाइम चल रहा है, देन बिलीव मी दिस प्लेस विल गिव यू एन अटमोस्ट रिलीफ एंड विल मेक योर सेंसेस काल्म। यहाँ पर आने के बाद आपके दिल को एक सुकून सा मिलेगा। If you are traveling to Mumbai, then I would highly recommend you guys to visit this place at least once. It is such an amazing and lovely place full of positive vibes. As I already mentioned earlier, the dome resembles Shwedagon Pagoda of Myanmar. It is the world's largest stone dome, जो कि कोई भी supporting pillars के बिना ही खड़ा है। इस पगोड़ा में बने हॉल में करीब 8000 लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। The global Vipassana Pagoda was built to honor Gautama Buddha and his wise lessons. Its traditional Burmese design is an expression of gratitude towards the country of Myanmar for preserving the practice of Vipassana. This monument was inaugurated by former President of India Pratibha Patil in 2009. Guys, this is Sayyagi Yuba Kin, first Accountant General of Independent Myanmar and also a Vipassana teacher from Myanmar, jinhone Myanmar mein Buddha ke followers ko Vipassana ka gyan diya. Guys, this is Mr. S.N. Goenka. He is a Vipassana teacher. Pagoda जो आप देख रहे हैं ये इन्हीं के कारण है। Pagoda इनका dream project था। So global Vipassana Pagoda is the fruit of S.N. Goenka's ideas. लोकेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड अगर आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे काय से है ना, पूरा गार्डन एरिया दिया हुआ है बच्चों के लिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सीसा झूला वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। Isn't it a beautiful location? Yeah.
सबको पीछे दिख रहा होगा वाटरफॉल, ये छोटा सा वाटरफॉल है। ये कैंपस के अंदर ही एक छोटा सा फूड कॉर्नर जैसा बना हुआ है जहाँ पे आप अपना टी, कॉफी, जूस, स्नैक्स एंड अदर रिफ्रेशमेंट्स आराम से बैठकर एंजॉय कर सकते हो। गाइस कैसे लगा आपको लोकेशन, मजा आया कि नहीं? गाइस ग्लोबल विपासना पगोड़ा आने के लिए आपको कोई एंट्री फीस नहीं लगता है, एंट्री इज टोटली फ्री। हाय पल्लवी, आप कैसे हो? मेरे सब्सक्राइबर्स को कुछ कहना चाहते हो? आपका छुट्टी का वसूली हो गया ना? ऐसे तो तुम छुट्टी ऐसे नहीं बोलोगी ना, तुमने मेरा छुट्टी खा लिया ऐसा कुछ? बोलने तो वाली थी बट यहाँ पर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, सुकून मिला तुमको यहाँ पे आके? कैसा लगा? आज इस धर्म ध्येय को एक नया आयाम प्राप्त हुआ है। बुद्ध की जन्मभूमि भारत विश्व भर में फैले अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करेगा। ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है बुद्ध के प्रति और उस अद्भुत धर्म के प्रति जिससे उन्होंने मानव समाज। गाइस दिस इज एन आर्ट गैलरी जहाँ पे आप बुद्ध के समय की पिक्चर्स एंड कई सारे पेंटिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। पे है ना एवी रूम है जहाँ पे पूरा बुद्धा का स्टोरी बताते हैं, प्लस यहाँ पे पेंटिंग गैलरीज भी है। देन दिस इज द पार्क जहाँ पे आप अपना क्वालिटी टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। देन यहाँ पर भगवान गौतम बुद्धा का मेडिटेटिव पोस्चर में एक स्टैचू भी बना हुआ है जो मार्बल के सिंगल ब्लॉक से बना है। पगोड़ा के बेसमेंट में एक फूड कोर्ट भी है जहाँ पर वेजिटेरियन फूड सर्व करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। यहाँ पर आप अपना लंच आराम से बैठकर एंजॉय कर सकते हो। एक्चुअली लगी है बहुत ज़्यादा भूख, इसलिए हम कैंटीन में आए हैं जो पगोड़ा के बेस में एक कैंटीन है, तो हम वहाँ पे आए हैं। Yeah.
It's actually very, very, very tasty and very spicy. बहुत स्पाइसी है, मज़ा आ गया। गाइस हम लोग बच गए क्योंकि ना अभी जस्ट बारिश होके गई है। देखो यहाँ पे जस्ट बारिश हुई थी तो हम लोग बार बार बचे। देखो बारिश हुई थी। देन एग्जिट करते टाइम आपको इस शॉप से होकर एग्जिट करना पड़ता है जहाँ पर भगवान बुद्ध के छोटे छोटे स्टैचूज है, जैसे कि लाफिंग बुद्धा, फिर की चेन्स, अदर गिफ्ट आर्टिकल्स। अगर आपको पसंद आए तो आप खरीद सकते हो। वीडियो के लिए इतना ही था गाइस। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो, एंड अगर पसंद आ गया तो आपको पता ही है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, विल मीट सून इन अदर वीडियो। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।